गाइस व्हाट्स अप, इट्स मी अनामिका एंड वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इन टुडेज वीडियो आई विल बी डूइंग काइंड ऑफ अ डे इन माय लाइफ व्लॉग। सो या दैट्स प्रीटी मच एंड आई हैव बंच ऑफ थिंग्स प्लान्ड। सो या लेट्स सी हाउ इट टर्न आउट। एंड आई हैव जस्ट वोक अप, आई हैवंट ब्रश माय टीथ, सो आई विल डू दैट फर्स्ट एंड कैच यू गाइस लेटर, बाय बाय। हे गाइस, सो क्विक अपडेट, आई जस्ट ब्रश माय टीथ एंड नाउ आई हैव अप्लाइड ओनियन हेयर मास्क फ्रॉम मामा। दिस इज द एक्चुअल हेयर मास्क व्हिच आई हैव अप्लाइड ऑन माय हेयर। सो आई जस्ट फॉरगॉट टू व्लॉग दैट पार्ट, बट या दैट्स प्रीटी मच, आई हैव अप्लाइड हेयर मास्क एंड आई विल जस्ट गो एंड टेक शावर and get ready for the day. Also, I got this free from Mama Earth when I ordered their shampoo and conditioner. So there is always sale going on Mama Earth, like 20% off or buy two get two free. So if you want to buy Mama Earth's product, I will mention the link in the description. You can go and check them out. Guys, so I just had my breakfast and also I took just quick shower. और अभी कुछ प्लान इस तरह है कि हम लोग को राखी खरीदने जाना है और यहाँ का सिचुएशन ऐसा है कि हाफ टाइम मार्केट लगता है और हाफ टाइम बंद रहता है, तो अभी ये वाला काम सारा निपटा लेना है। तो हाँ, अभी हम थोड़ा सा स्किन केयर करेंगे और मार्केट। गाइस, तो अभी हम मार्केट से आ गए हैं और मैंने मार्केट का कुछ ब्लॉगिंग किया नहीं क्योंकि वहाँ इतना भीड़ था, कोई सोशल डिस्टेंसिंग मान नहीं रहा था और मुझे थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेना पड़ रहा था कि नहीं, मुझे भीड़ में नहीं जाना। थोड़ा थोड़ा इधर उधर देख के चल रही थी, हाँ नहीं नहीं सबसे सबसे थोड़ा दूरी बनाना है। और इतना हड़बड़ी में हम लोग गए थे कि क्योंकि दुकान बस बंद होने वाला था, 12 वगैरह कुछ बज चुका है और दुकान बंद हो जाता तो फिर ओके। गाइस, तो मैं आप लोग को बता रही थी कि मैं मार्केट से आ गई और इतना ऐसा हड़बड़ी में हम लोग गए थे कि लाइक बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में, तो मैंने अपने बालों में सीरम वगैरह लगाना भूल गया था। तो मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि मैं ये सीरम अभी फ़िलहाल यूज़ कर रही हूँ विच इज़ फ्रॉम लॉरियल। तो ये बहुत अच्छा है और इसका स्मेल भी बहुत अच्छा है। गाइस, तो मैं अभी फ़िलहाल बहुत अच्छे से कंफर्टेबल प्लेस में बैठ चुकी हूँ और मुझे आप लोग से बहुत इम्पॉर्टेंट बात करना था। तो बहुत दिनों से मुझे DMs आ रहे हैं लोगों के कि आप अपना क्राफ्ट स्टोर, YouTube और पढ़ाई कैसे मैनेज करते हो। देन इट्स ऑल अबाउट माय पैशन कि मुझे मन करता है, मुझे अच्छा लगता है वीडियोज़ बनाना, मुझे अच्छा ये भी लगता है कि मैं क्राफ्ट वर्क करती हूँ और मैं अपने उस सबको इंस्टाग्राम पर छोड़ती हूँ और मुझे बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आते हैं और लाइक 15 ऑर्डर्स विद इन 1 month। तो मुझे मतलब क्या है, मतलब छोटा सा अचीवमेंट है बट आई एम सो सेटिस्फाइड विद दैट और इसके लिए मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगी। और विद इन 2 months हमारे 100 सब्सक्राइबर्स भी हो गए हैं, 100+ सब्सक्राइबर्स, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा थैंक यू। और यस, बहुत सारा बातें हो गया फिलहाल, तो अभी काम की बात पे आते हैं। मुझे फ़िलहाल अपना ऑर्डर्स कंप्लीट करना है, जो मुझे पुणे भेजना है उसे पैकिंग करना है और वो सारा चीज़ मैनेज करना है। तो देखते हैं अभी दिन कैसे जाता है क्योंकि वो बनाने में ही काफ़ी मेहनत लग जाता है, लाइक काफ़ी टाइम लगता है। एक छोटा सा ही बना रहे हो तो उसको रिंग को रैप करो, फिर वेब बनाओ, फिर फेदर्स डालो, तो बहुत मेहनत लगता है। और हाँ, तो पहले मैं वो करूँगी, फिर उसे पैकिंग करना है और देखते हैं उसके आगे मैं क्या करूँगी। तो ओके गाइस, सो आफ्टर प्रोक्रेस्टिनेटिंग फॉर लाइक 25 मिनट्स आई एम बैक टू माई वर्क टेबल और देखते हैं फिलहाल कैसे करूँगी। ओ माई गॉड, आई एम नॉट गोना शो यू द बैकग्राउंड बिकॉज बहुत ज़्यादा मैस है भाई, मुझे ये क्लीन करना है। सो आई एम टोटली स्वेटिंग बिकॉज मैं अभी सीढ़ी चढ़ चढ़ के ऊपर आई और मुझे पानी पी लेना चाहिए पहले। तो मेरा ये वर्क स्पेस एक्चुअल रूम नीचे में है और हम लोग यहाँ पे काम करते हैं।
ओके गाइस, सो ये है टेबल जिसमें मैं सारा काम करती हूँ अपना, और ये कुछ किताब है मेरे भाई के जो वो यहाँ के पढ़ता है इसीलिए, और वहाँ जो छोटा फ़ैन है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है क्योंकि ऊपर में इतना ज़्यादा गर्मी है कि फिर क्या ही कर सकते हो। पूरा कंप्लीट कर लिया है लाइक दिस, तो ये हम लोग जहाँ से स्टार्ट किए थे वो वापस वहाँ पे आ गए हैं। तो हम लोग को ये चीज़ और एक बार रिपीट करना है क्योंकि थोड़ा सा बहुत थिन दिखता है, लाइक बहुत थिन दिखता है, तो इसको थोड़ा सा थिक करने के लिए आप अगर उसको डबल रैप करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो हाँ, हम लोग अभी डबल रैप करेंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि आगे क्या करना है। ओके गाइस, सो वी आर डन विद द सेकंड राउंड एज वेल, सो यू कैन क्लियरली सी द डिफरेंस, सो इट लुक बिट thicker now and we can just directly jump into web part. So many of you think that webbing is like inside webbing is like very hard, but it's really very easy, just you need to know the technique. Okay guys, so I just have to complete two orders jo dono white color mein hai, to like webbing dono ka same hi hoga, bas ek mein aapko stones dalna hai aur ek mein nahi dalna, to fir main aapko stones wala dikha dungi taki aapko rough idea mil jaye ki agar bina stone ka aapko banana hai to aap kaise bana sakte ho. तो इट लाइक इट्स इज ओके गाइज, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड इज दिस ऊन और ये एक छोटा सा सुई। तो याद रहे कि आपका थोड़ा होल जो थोड़ा बड़ा सा रहे ताकि उनका जो मोटा सा है वो आराम से घुस जाए, और कुछ बीड्स। गाइस, तो अभी आपको इसमें बीड्स डाल लेना है सुई के अंदर से और इसके सामने लेके जाना है। तो ये फिलहाल यहाँ तक पहुँच गया है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, जैसे स्टेप मैंने आपको बताया, अपने आगे से सारे थ्रेड को लेना है और आगे से फिर नीचे से घुसा लेना है। याद रहे कि आपका हर एक जो डिस्टेंस होगा हर किसी का सेम होगा ताकि थोड़ा इक्वल दिखे, वरना बाद में जब वो टनाता है तो वो बहुत ज़्यादा अनइक्वल दिखता है, तो फिर बहुत ज़्यादा ऑड भी दिखता है। ओके गाइस, तो इसका एक राउंड कंप्लीट हो गया है, मतलब अभी हम लोग सारे बड़े बड़े स्टोन्स लगाए हैं इस पर, तो इसके बाद हमें कुछ इस तरीके का छोटे छोटे स्टोन डालना है बीच में और अंदर 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 जाके कंप्लीट करना है। ओके गाइस, सो मैंने अभी अपना छोटा सा ड्रीम कैचर बना लिया है, ये बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहा है, ओ माई गॉड। तो इसमें मुझे फिर भी अभी फेदर्स डालना बाकी है, तो मुझे वो काम करना ही होगा पहले, और अभी भी ये वाला बाकी है पूरा, लाइक न्यू है ये, इसको भी करना है। तो आज रात तक मैं फिगर आउट करती हूँ कि ये कैसा होगा, ये बनेगा कि नहीं आज रात तक, वरना मैं कल सुबह तक डेफिनेटली कंप्लीट करके इसे पैक करके मैं भेजने वाली हूँ। तो हाँ, ओके गाइस, सो वर्क इन प्रोग्रेस, मैंने दो तीन फेदर्स लगा लिए हैं फिलहाल ऐसे कुछ, और मुझे और सारे फेदर्स डालने हैं इसमें, तो थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा।
सो दैट वॉज इट फॉर टूडेज वीडियो. फाइनली हमने एक ड्रीम कैचर बना लिया. सो या और आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि यह कितना मेहनत और कितना टाइम लगता है. बट स्टिल आई लव मेकिंग दिस फॉर यू गाइज और ऐसे ही मुझे प्यार करते रहे, मेरे क्राफ्ट स्टोर को सपोर्ट करें. या अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना. मैं आपको अपने नए वीडियो में मिलूंगी. तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें. बाय बाय.